श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस के लिए शामिल किए गए टीम में संजू सैमसन के ऊपर में बहुत बड़ा बयान जो है वो कप्तान रोहित शर्मा ने दे दिया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने कहा है कि संजू सैमसन बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं आईपीएल में, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सारी चीजें आसानी से वो करते चले जाते हैं और बड़े मैच विनर है। साथ ही साथ रोहित शर्मा ने ये बात कही है कि देखिए स्कीम ऑफ थिंग्स में मैं 100% संजू सैमसन को रखता हूं। जब हम 2022 वर्ल्ड कप के बारे में सोचते हैं, ऑस्ट्रेलिया के विकेट पर खेलने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि संजू सैमसन बैकफुट के बड़े स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं और जब वो बैकफुट पर जाकर कट और पुल करते हैं तो फिर उसे देखने में बड़ा मजा आता है और इसीलिए हमें लगता है कि संजू सैमसन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप खेला जाएगा। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों के पास टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट का सही इस्तेमाल करना खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी तरीके से बैक किया है संजू सैमसन को और उन्होंने कहा कि बड़े मैच विनर है ऑस्ट्रेलियन विकेट पर, जिस तरीके से बैकफुट पर खेलने के लिए वो जाने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे लिए बहुत बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं एंड स्कीम ऑफ थिंग्स में है, लेकिन संजू सैमसन को डिलीवर करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि कम से कम संजू सैमसन जो है वो स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव के इंजर्ड होने के बाद हो सकता है कि तीनों मैचेस में खेलने का मौका मिलेगा और अगर हम मौके पर चौके लगा लेते हैं तो यकीन मानिए ये खिलाड़ी आपके लिए बड़ा खिलाड़ी बनकर साबित हो सकता है। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा।